दोस्तों, डबल एसी ब्लॉक के बारे में तो आप जानते ही हो अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हो, क्योंकि इसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बता चुका हूं कि डबल एसी ब्लॉक्स क्या होते हैं और इनके यूज क्या होते हैं। मगर फिर भी मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू डबल एसी ब्लॉक्स के बारे में दे देता हूं कि डबल एसी मींस ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक एक लाइट वेट लोड बियरिंग ड्यूरेबल कंक्रीट प्रोडक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, जो आज एक बहुत बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। एज पर साइज और स्ट्रेंथ, जो रेड ब्रिक्स के मुकाबले बहुत हल्के होते हैं और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़े स्तर पर यूज किए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो है डबल एसी ब्लॉक्स की डेफिनेशन। पर आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एसी ब्लॉक्स। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल माई इंजीनियरिंग सपोर्ट में। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है आप सबसे कि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि डबल एसी प्रोडक्ट लगभग पिछले 70 ईयर्स से प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसकी बहुत सी एडवांटेजेस हैं दूसरे सीमेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल के मुकाबले। तो चलिए देखते हैं। तो नंबर वन तो है लाइट वेट। ये बहुत ही लाइट वेट मटेरियल है जो ट्रांसपोर्टेशन और लेबर कॉस्ट को सेव करने के साथ साथ सीस्मिक एक्टिविटी में सर्वाइव करने के चांसेस को बढ़ाता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वो है इनके शेप और साइज की है, क्योंकि इनके लार्जर साइज के होने के कारण मेजनरी वर्क फास्ट हो जाता है एज कंपेयर टू रेड क्ले ब्रिक्स, क्योंकि एक डबल एसी ब्लॉक का साइज लगभग 8 रेड ब्रिक्स के साइज के इक्वल होता है, और साथ ही साथ इनका वेट भी लगभग आधे से ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू रेड ब्रिक्स। तीसरा है लोड बियरिंग कैपेसिटी और वाटर एब्जॉर्प्शन। इनकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है वह बहुत ही अच्छी होती है और ये लेस मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं क्ले ब्रिक के मुकाबले। चौथा, इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है एज कंपेयर टू रेड ब्रिक्स, और साथ ही साथ इनकी वर्केबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है जो अलाउ करती है इनकी ईजी एंड एक्यूरेट कटिंग जब हम इन्हें यूज करते हैं, जिससे सॉलिड वेस्टेज बहुत कम मतलब ना के बराबर होती है। फिफ्थ एडवांटेज है थर्मल इफिशेंसी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है डबल एसी ब्लॉक्स की, क्योंकि ये किसी भी बिल्डिंग का हीटिंग और कूलिंग लोड कम करती हैं और थर्मल इफिशेंसी इंप्रूव करती हैं उस बिल्डिंग की। सिक्स्थ है फायर रेजिस्टेंट। यह एक फायर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि पोरो स्ट्रक्चर एक सुपीरियर फायर रेजिस्टेंट होते हैं। सेवन्थ है एक्यूरेसी, मीन्स के जो डबल एसी ब्लॉक्स या पैनल मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वह जरूरत के हिसाब से ही एग्जैक्ट शेप और साइज के तैयार किए जाते हैं फैक्ट्री में ही, जिससे इन्हें साइट पर ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ती और ब्लॉक्स और पैनल एक साथ फिट हो जाते हैं, और इनमें फिनिशिंग मटेरियल की भी लेस रिक्वायरमेंट होती है। और एट है हमारा लॉन्ग लास्टिंग, मीन्स इस मटेरियल की लाइफ भी अच्छी होती है क्योंकि इस पर क्लाइमेट और वेदर के चेंज होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये तो थी इसकी एडवांटेजेस। अब देखते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस। हालांकि यह प्रोड्यूस किया जा रहा है 70 ईयर से, पर जब यह यूके में इंट्रोड्यूस हुआ तो यूके ने इसकी डिसएडवांटेजेस भी पता की। जैसे नंबर वन है स्मूथ सरफेस। इनके स्मूथ सरफेस होने की वजह से प्लास्टर इन पर अच्छे से नहीं चिपक पाता, जिससे कुछ ही महीने में प्लास्टरिंग क्रैक स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, क्योंकि ये प्रोडक्ट इन नेचर ब्रिटल है, जिसके कारण लगभग 10% तक वेस्टेज हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग और अनलोडिंग में, तो इसके लिए एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर होती है एज कंपेयर टू रेड ब्रिक्स। थर्ड है कॉस्ट। ये रेड ब्रिक्स के मुकाबले बहुत महंगी पड़ती है क्योंकि एक गुड ब्रांड की एसीसी ब्लॉक्स जैसे सिपोरेक्स और अल्ट्राटेक की 30% ज्यादा कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू सीमेंट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, और प्रोडक्शन कॉस्ट भी डबल एसी ब्लॉक्स की हायर होती है पर यूनिट एरिया। और फोर्थ है वेस्टेज, क्योंकि डबल एसी ब्लॉक्स का कोई फिक्स साइज नहीं होता, इसकी वजह से इनके इंस्टॉलेशन के समय डबल एसी ब्लॉक्स की वेस्टेज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेड क्ले ब्रिक्स, क्योंकि इंस्टॉलेशन करने के लिए इसे मशीन कटर से काटने की जरूरत पड़ती है। अगर इन्हें चीजल्ड या हैमर से कट करते हैं तो ये टूटकर पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और नंबर फाइव है अवेलेबिलिटी, क्योंकि इन्हें फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है तो इनका लोकली मिलना बहुत कठिन होता है एज कंपेयर टू रेड ब्रिक्स, जब हमें ब्लॉक एक ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। और लास्ट डिसएडवांटेज है डबल एसी ब्लॉक की इफ्लोरसेंस।
इनमें वाटर और मोर्टार के कारण इफ्लोरेसेंस होने के बहुत चांस होते हैं। तो यही है इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जो आप लोगों को एज ए गुड सिविल इंजीनियर जरूर पता होना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा कि ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर यूजफुल रहेगी, और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो चलिए जल्द मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी लेकर। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा, धन्यवाद।